Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं शिफ्ट टाइम। मैं हूं निखिल पनगोत्रा। इस समय मैं मौजूद हूं जिला सांबा के एक गगौल में, ऐतिहासिक जो मंदिर है वहां पर मौजूद हूं। कल से एक मेला होगा और मेले में काफ़ी लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं आएंगे, और ये मेला जो है 8 दिन के लिए चलेगा और काफ़ी तादाद, हज़ारों की संख्या में लोग जो यहाँ पर आते हैं और मेले पर नृसिंह भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और माथा टेकते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर BDC चेयरमैन मौजूद हैं, बी ए टगोत्रा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि कल से जो मेला जो है शुरू होने जा रहा है, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इंतजामी की तरफ से। सर, पहले तो आपका स्वागत करता हूँ दैनिक शिफ्ट टाइम में। सर, कल जो है रथखड़े का मेला जो है शुरू होने जा रहा है, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इंतजामी की तरफ से। शुक्रिया निखिल जी। गगवाल में नृसिंह धाम मंदिर गगवाल में 3 मेले, ऐतिहासिक मेले परंपरा रही है, वो चलते हैं। रथखड़े का मेला और जन्माष्टमी मेला और नृसिंह जयंती का मेला, ये 3 मेले जहाँ लगते हैं। तो इस मेले का अलग ही महत्व है कि ये 8 दिन चलता है। तो जहाँ पहाड़ी लोग जो पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ से जो लोग आते हैं, बनी बिसोली से लोग आते हैं, बलावर से लोग आते हैं, और कुछ लोकल लोग हमारे मेला से आते हैं जो खेतों के औजार बनाते हैं, लोई कंबल लेके लोग दूर दार से आते हैं, उनको उम्मीद होती है कि पूरे साल भर से कि हम कब रथखड़े का मेला आएगा और गगवाल जाएंगे और रोजी रोटी, पूरे साल की रोजी रोटी उनको उनकी जहाँ से ही बनती है। तो सभी लोगों का जहाँ स्वागत है, तो मैं श्रद्धालुओं को भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके आने जहाँ बढ़ चढ़ के आएँ, मथा टेकें, आशीर्वाद लें। आपके आने जाने का पूरा हमने जहाँ रहने का बंदोबस्त कर रखा है। जो लोग गाड़ियाँ लेके आएंगे वो हाई स्कूल, गर्ल हाई स्कूल में पार्किंग करेंगे, और जहाँ आपकी नाश्ते की और अपना लंगर की व्यवस्था कर रखी है, और रहने की रजाई और गद्दा भी यहाँ मिलेगा जो लोग रहना चाहेंगे यहाँ, और बाथरूम जगह जगह बाथरूम बनाए हैं ताकि कहाँ जहाँ कहीं गंदगी ना फैले, तो वो पूरी व्यवस्था कर रखी है। और ये परंपरा रही है हमारे नृसिंह धाम गगवाल मंदिर में, जितने भी हमारे लोग गगवाल में रहते हैं, हमारे जैसे बुज़ुर्गों से हम देखते आए हैं कि जितने भी जहाँ श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा के लिए हम पूरा गगवाल एकजुट होके खड़े होके उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा, जय हमारी परंपरा रही है, उसी तरह हम इस बार भी सभी जितने भी गगवालवासी हैं सभी की सेवा के लिए यहाँ इकट्ठे होंगे। और हमें बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बार जो हमारे नौजवान, खास करके जो नौजवान हमारी नई पीढ़ी है बच्चे, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि मंदिर की सजावट का वो खुद काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ मंदिर की सजावट के लिए जो असली फूलों से बाहर और अंदर जो सजावट हो रही है, तो मन खुश होता है, खुशी मिलती है दिल को कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी को संभालेगी और सदियों तक ये हमारा जो परंपरा चलती रहेगी और लोगों की हम सेवा करते रहेंगे। क्योंकि नृसिंह धाम के चरणों में हम रहते हैं तो हमें बहुत फल मिलता है, हमें बहुत इज्जत मिली है, हमें बहुत अच्छे हमें संस्कार भी मिले हैं। तो हमें यही हमारी परंपरा सिखाती है कि हम जो श्रद्धालु गगवाल में आएंगे बाहर से उनकी हम सेवा करेंगे, यही हमारा फर्ज है। जिस तरह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग गगवाल के मुख्य चौक से कुछ गाड़ियां जो हैं वायलेट करती हैं, तो या फिर कुछ रेडी फड़ी वाले हैं जो सड़क में ही रेडियाँ लगा देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? कल हमारी मीटिंग हुई थी, 7 पदर के लोग आए थे और SDM और एडिशन DC साहब भी हमारे बीच थे, ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे, SHO हमारे गगवाल वो भी थे। तो SHO गगवाल को हमने ये क्लियर कट, सभी कमेटी ने एक फैसला लिया था कि बाज़ार में कोई भी मोटरसाइकिल और स्कूटर तक भी गाड़ी नहीं जाएगी, श्रद्धालुओं को किसी किस्म की परेशानी ना उठानी पड़े। और मैं रेडी फड़ी वालों को भी अपील करना चाहूँगा, वो SHO साहब उनको डायरेक्शन दे देंगे। पहली बात तो यह है कि जो मेन अंदर परिसर हमारे ग्राउंड में, मंदिर मेला ग्राउंड में, जहाँ दशहरा ग्राउंड में जो
दुकानें लगेंगी उनके लिए पूरी व्यवस्था हमारे कमल किशोर जी हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था की है, अच्छे तरीके से मार्किंग कर रखी है और जगह जगह उनको सभी लोगों को आधार कार्ड लेके पुलिस से वेरिफिकेशन करवा के उनको जगह अलाट कर दी गई है। तो वो अच्छे तरीके से रास्ते पूरे मेंटेन किए हैं। रही बात बाजार की, तो बाजार को वो SHO साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाजार में जो रेडी फड़ी है वो भी पूरी यूनिफॉर्म तरीके से लगे ताकि रास्ता अक्रोच ना हो और लोगों को खास करके जो हमारे श्रद्धालु आने हैं उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो। सर आप किस तरह का मैसेज देंगे श्रद्धालुओं को? मैं श्रद्धालुओं को आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा लें और प्यार भावना से आए और आशीर्वाद प्राप्त करें नृसिंह भगवान का। तो जो जैसे आप मथा टेकते हो आशीर्वाद लेते हो तो आपके लिए जहाँ चाय पानी का अरेंजमेंट सारा किया कर रखा है, रोटी की व्यवस्था कर रखी है। अगर जो लोग रहना चाहते हैं, जो पहाड़ी लोग जो बाहर के दूर दराज के लोग हैं वो रहते भी हैं, तो उनको लिए गद्दा रजाई की यहाँ व्यवस्था संत निवास में हमारा हाल है तो यहाँ व्यवस्था उनकी कर रखी है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो ये हमारे सभी का हमारा फर्ज बनता है। शुक्रिया सर, आपके साथ बात करेंगे। नमस्कार, देखते रहें दैनिक शिव टाइम, जिला सांबा से निखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। रथखड़ी मेले की शुभकामनाएं। आपको पता है कि हर साल ये दिसंबर के महीने में लगभग आता है, 13 जो पोह महीने की तारीख है उसमें से शुरू होता है, तो इस बार 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो हमने कल फाइनल जो मीटिंग थी वो कर ली थी, इस गढ़वाल के राजपुरा के प्रोमिनेंट लोग भी आए थे, उनसे सलाह मशवरा किया था। तो जहाँ के जो युवा हैं जो सेवा में काम करते हैं उनको भी बुलाया गया था और उनको अलग अलग जो ड्यूटियाँ हैं वो सौंप दी गई हैं और ये मेला सुचारू रूप से चले इसके लिए हम आशा करते हैं। बताइए सर कल